अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान अली और आप देख रहे हैं फयूज स्टूडियो टेक। आज के स्टूडियो में मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा कि टेम्परेचर है क्या। तो इसके लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ टेम्परेचर है। हम सबसे पहले टेम्परेचर का डिफिनीशन करेंगे कि टेम्परेचर है क्या। टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कभी गर्मी महसूस करते हैं और कभी सर्दी महसूस करते हैं, तो इन गर्मी या सर्दी को नापने के लिए जो दर्जाबंदी इस्तेमाल होती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर हॉटनेस गर्मी या कोल्डनेस सर्दी की पैमाइश को कहा जाता है। जब हम सर्दी या गर्मी को नापते हैं मतलब इनको मालूम करते हैं कि कितनी गर्मी है या कितने सर्दी है तो उसे हम टेम्परेचर कहते हैं और उर्दू में इसे हम दर्जे हरारत कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्जे हरारत। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हमारे पास सेल्सियस में भी है और फारेनहाइट में भी है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास हो तो वो बराबर होगा इक्वल टू 180 फारेनहाइट। तो अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो वो फारेनहाइट में 180 फारेनहाइट के बराबर होगा। हमारे पास सी बराबर है, सी सेल्सियस के लिए है और एफ हमारे साथ फारेनहाइट के लिए है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाई थर्मामीटर। टेम्परेचर किससे नापते हैं? थर्मामीटर से। हमारे साथ आप देख सकते हैं डॉक्टरों के साथ वो थर्मामीटर होता है जिससे हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। इससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सेल्सियस इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये सेल्सियस हमारे साथ तमाम दुनिया में इस्तेमाल होता है अलावा यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि यहाँ पर सेल्सियस इस्तेमाल नहीं होता। फारेनहाइट इज़ यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट। हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट में फारेनहाइट इस्तेमाल होता है। सेल्सियस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड इन अदर प्लेसेस और सम प्लेसेस। हमारे पास सेल्सियस जो है ये कुछ जगहों पर कुछ ममालिक में एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते। वेयर केल्विन, केल्विन कहते हैं जिस पे अनदर वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, ये एक दूसरा तरीका है जिस पे टेम्परेचर को नापा जाता है उसे केल्विन कहते हैं। जहाँ पर केल्विन यूज़ होता है, केल्विन इस्तेमाल होता है, मतलब जैसा सेल्सियस है जैसा फारेनहाइट है वैसा ही केल्विन है। अगर वो जगह जहाँ पर केल्विन इस्तेमाल होते हैं, केल्विन स्केल इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर सेल्सियस इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर सेल्सियस को कबूल नहीं करता। तो अब हम आते हैं, सेल्सियस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। सेल्सियस हमारे साथ सबसे सादा और आम तरीका है टेम्परेचर को नापने का। द वैल्यू ऑफ दीज मेजरिंग स्केल इज़ कन्वर्टेबल टू ईच अदर। और ये हम जो मालूम करते हैं, अगर हम यहाँ पर मालूम करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फारेनहाइट को या केल्विन को। तो अगर हम इसे इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करते हैं फारेनहाइट को तो ये हमारे साथ आएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे हम सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं या फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं
द वैल्यूज ऑफ दिस मेयरिंग स्केल इज कन्वर्टेबल टू ईच अदर बाय अप्लाइंग सर्टन मैथमेटिकल फार्मूलाज. जो मैथमेटिकल फार्मूलाज के जरिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब अगर सेंटीग्रेड है तो हम इसे फारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे साथ फारेनहाइट हो तो हम उसे सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर सकते हैं उसे फार्मूला के ज़रिए. इन हमारे साथ यहाँ पर है इन सेल्सियस स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारे साथ अगर सेल्सियस स्केल में वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जब हमारे साथ वाटर बॉयल होता है उस पॉइंट को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करते हैं, मतलब वाटर को अगर हम बॉयल करते हैं तो उसे हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देना होता है, मतलब गर्म करना होता है, तब वो बॉयल होता है. वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर को हम फ्रीज करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो ये फ्रीज हो जाता है, ये जम जाता है. और फारेनहाइट में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 फारेनहाइट. तो हमारे साथ फारेनहाइट में अगर हम पानी को उबालें तो उसे हम 212 फारेनहाइट पर पहुंचाते हैं, मतलब उसे हम 212 फारेनहाइट गर्मी देते हैं, मतलब इस हद तक उसे हम गर्म करते हैं पानी को, तब वो उबाल शुरू होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है. और अगर हम पानी को फ्रीज करते हैं तो हम 32 फारेनहाइट पर इसे पहुंचाते हैं. जब ये 32 फारेनहाइट तक पहुंच जाता है तो ये जम जाता है. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी ये तरीका सीख सके, ताकि वो भी टेम्परेचर को सीख सके कि टेम्परेचर है क्या और इसके कौन कौन सी स्केल है. तो हमारे साथ टेम्परेचर की सेल्सियस है, फारेनहाइट है, और कहीं जगहों पर केल्विन भी है, और हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फार्मूलाज के ज़रिए फारेनहाइट को सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड को फारेनहाइट तक इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम अगली वीडियो में इन सब को कन्वर्ट करेंगे, आप वो तरीका भी सीख सकेंगे. तो इसके लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. तो हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.